इंग्लिश के नेगेटिव होने के कारण आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप कोई बड़ा कोर्स नहीं कर पाएंगे, आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, सब कुछ आपका भी धराशायी हो जाएगा। तो सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज अपनी परफेक्ट करें, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इतनी आपकी वीक है इस समय कि आपको एक छोटी सी जॉब के लिए तक रखा नहीं जाएगा। गेट माय पॉइंट? एक छोटी सी जॉब के लिए आप अगर अप्लाई करें, क्योंकि चलो 4,000 की सैलरी है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अगर वहाँ भी वीक है तो वहाँ भी सोचेगा कि रखेगी ना। और जिनका बॉडी लैंग्वेज ध्यान रखेगा वीक रहता है, अक्सर देखा गया कि उनको सैलरी भी डाउन ही दी जाती है। पैकेज भले बहुत अच्छा था, पर आपके बॉडी लैंग्वेज देख के सैलरी डाउन कर दी गई। आपने कहा सर आपने सैलरी क्यों डाउन किया, वो कुछ और बहाने बनेगा, फ्रेशर हो आप, ये हो आप, वो हो, लेकिन मेन कारण क्या है? बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज कैसे परफेक्ट करें, लिखिए। सबसे पहले बॉडी पे काम करोगे आप, अपनी बॉडी जब आईने में देखें तो आपको भी लगे कि हाँ मेरी बॉडी में कुछ है। तो बॉडी लैंग्वेज में काम करने के लिए सबसे पहले क्या करें, नंबर एक उत्साह। आप अपने जीवन में ख्याल है उत्साह लाइए। उत्साह कैसे आएगा, आपके शरीर में उत्साह क्यों नहीं दिखता? ज़्यादातर जो बहुत धीमे चलते हैं, धीमे बोलते हैं, धीमे काम करते हैं और अक्सर परेशान दिखते हैं, उनके लिए एक वर्ड का सिर्फ आंसर है उत्साह। कहा गया उत्साह? हाँ, ये सब, हाँ तो ये सब चीज़ें जो अभी बताया गया ये उत्साह की कमी के कारण है। तो पहली चीज़ आपके अंदर उत्साह, उत्साह के लिए क्या करो, समय से सो, समय से उठो, प्रॉपर डाइट का डाइटिंग करें, डाइटिंग पर अभी से ध्यान दीजिए, यानी कि जब बुढ़ापा आएगा तब डाइटिंग में ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा सुबह उठ कर वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, पूजा पाठ करें, अच्छे किताबें पढ़ें। आप उत्साह को जनरेट करो, उत्साह को जनरेट करना पड़े तो उत्साह कोई आप मार्केट खरीद नहीं सकते कि आप सोचे कि मॉल में जाकर उत्साह खरीद के ले आए, उत्साह आपको जनरेट करना पड़ेगा। दूसरा क्या, नंबर बी पॉजिटिविटी। आपके अंदर डाउन क्या है, पॉजिटिविटी, आप पॉजिटिव है? ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब मोबाइल की बैटरी हर दिन डाउन हो रही है तो आपकी पॉजिटिविटी कैसे हर दिन 100% हो सकती है, ये बताइए, हो सकती है? हमारा, हम खाना नहीं खाते, एनर्जी भी हमारी डाउन हो जाती है। आप पॉजिटिविटी को क्या करें, मेंटेन करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्या होगा, आपको नौकरी मिलनी आसान हो जाएगी, लोन मिलना आसान हो जाएगा, आपको बड़े लेवल की अगर पढ़ाई करने वाले तो आसान हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बहुत सारे सिंगर के आज शोज देखते हैं, बहुत सारे जैसे इंडियन आइडल आते हैं, इंडियन आइडल में किसका सिलेक्शन माननीय जजों के द्वारा किया जाएगा, जिसके सिंगिंग क्वालिटी के साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखे, बॉडी लैंग्वेज भी दिखे। जो सिंगर्स की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है और सिंगिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उन लोग को अंदर कर दिया जाता है और वही फाइनलिस्ट तक भी पहुँच जाते हैं। जिसकी सिंगिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन बॉडी लैंग्वेज बड़ी ख़राब है, देखना वो बीच में निकल ही जाएगी। बड़ी अच्छी सिंगल क्वालिटी है लेकिन बॉडी लैंग्वेज जब तक परेशानी रहती है, जब तक वो मुरझाए जाते रहते हैं, इस कारण से आपकी 100% जो एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है, तो आप बाहर निकलेंगी। हाँ हाँ हाँ, बात वही है ना, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको प्रोफेशनल भी तो बनाती है। नंबर सी है हाइजीन। आपकी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा कौन करता है, हाइजीन, रोज नहाए कहा जाता है, साफ सुथरे रहेगा, ठीक है, और कपड़े अच्छे आपको साफ सुथरे पहनने हैं, हैबिट्स भी आपको सही रखनी है, ठीक है। तो हाइजीन के मामले में तो कहा जाता है कि आजकल की जो बड़े हाइजीन रहते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो लोग हाइजीन नहीं रहते हैं वो देखिएगा अक्सर वो बीमार टाइप के महसूस करते हैं और इससे उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज वीक होने के कारण आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सारे लोगों का कैरियर अंत हुआ है। अगर आप देखें एक फहरिस्त, बड़ी लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि उनका कैरियर अंत क्यों हो गया, उनके अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छा मेंटेन नहीं करके रखे, ना वो फिट रहे, ना वो ज़्यादा एनर्जेटिक रहे, ना बहुत ज़्यादा उत्साहवान रहे, धीरे धीरे करके उनका परफॉर्मेंस डाउन होता गया, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज डाउन होगी तो परफॉर्मेंस भी क्या होता है। और ध्यान रखिएगा दुनिया का एक नियम है, परफॉर्मेंस डाउन होने पर आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके बॉडी लैंग्वेज में हाइजीन भी रखना है। चौथा फिटनेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या करें, फिटनेस रखें भाई, रोज सुबह कुछ ना करें, 1-1.5 किलोमीटर चली लें, योगासन कर ले, थोड़े से जिम एक्सरसाइजेस कर ले, कुछ तो ऐसा करिए जिससे आपकी बॉडी में फिटनेस मुझे देखे। आज आप में से ज़्यादातर लोग अगर खुद के बॉडी को अगर देखे तो वो या तो बहुत ज़्यादा दुबले हैं या तो बहुत ज़्यादा मोटे हैं,
ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा सुस्त है या इतने एक्टिव है कि